डेथ, डेथ मीन्स मौत। अब ये बताओ कि ए बी सबसे सस्ता चैप्टर और सबसे बढ़िया चैप्टर, और 6 मार्क्स का चैप्टर आता है और बहुत जल्दी पैसे आते हैं इसमें से, 6 मार्क्स बहुत जल्दी आते हैं, इजी होता है और विदिन 3 दिन में ये खत्म हो जाएगा, विदिन 3 दिन में ये खत्म हो जाएगा। कल से तुम्हारी ड्यूटी है, कल को हल्का कभी बुखार या हल्का कभी जुकाम हो तो उसको लाने की जरूरत नहीं है, फेंक देना ऊपर, ठीक है ना? ठीक है ना? एबीसी। हाँ तभी तो कह रहा हूँ नहीं जाना चाहिए था। क्या तो अब जो ए बी सी पार्टनर थे तो उसमें सी मर गया, तो सी क्या ये बोल के मरेगा कि मैं 1 जनवरी को मरूंगा या 31 दिसंबर को मरूंगा? कभी भी मर सकता है वो, कभी 15 अगस्त को भी मर सकता है, या फिर 2 अक्टूबर को मर सकता है, या फिर 6 दिसंबर को मर सकता है, या 9 जनवरी को मर सकता है, कभी भी मर सकता है, नहीं मर सकता। तो डेथ में इसी चीज के ऊपर हमें बात करनी होती है। डेथ में जो मर जाता है उसी का अकाउंट ज्यादातर बनाने को बोला जाता है, उसी का अकाउंट ज्यादातर बोला जाता है, बाकी सारी चीजें बिल्कुल रिटायरमेंट चैप्टर जैसी हैं, पर इसमें ना केवल 2 ही चीज पढ़नी होती है, नंबर 1 इज योर गुडविल और नंबर 2 प्रॉफिट ऑफ द ईयर, प्रॉफिट ऑफ द ईयर, दिस इज नोन एज प्रॉफिट ऑफ द ईयर। अब सपोज करो मैं 1 जनवरी को मैंने नया बिजनेस स्टार्ट किया और 31 मार्च तक मैं बी मर गया, तो उस और हमारी साल कब खत्म होगी, 31 दिसंबर तक, तो बी को प्रॉफिट कितना मिलेगा, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का या 1 जनवरी से 31 मार्च तक का? बताओ बच्चों, बच्चों बताओ जूम के। 31 मार्च तक। अब 31 मार्च तक का तो मिलेगा, बट मैं बैलेंस शीट कब बनाता हूँ, साल के अंत में या हर महीने? और जब मैं साल के अंत में मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा तो मुझे कब पता लगेगा, साल के अंत में या पहले बीच में ही? अंत में ही पता लगेगा। तो 1 जनवरी से 31 मार्च तक का प्रॉफिट कैसे देंगे, कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि बैलेंस शीट तो मैं बिल्कुल एंड में बनाऊंगा, तो इसीलिए इसका प्रॉफिट जो हम निकालते हैं वो अंदाज में निकालते हैं, किसमें निकालते हैं, अंदाज में। जो भी प्रॉफिट निकलता है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो उसको मिलता है, वो पहले हमें जो प्रॉफिट मिलता था वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के नाम से मिल जाता था, बट इसमें जो उसको प्रॉफिट मिलेगा वो मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। क्या चीज? सस्पेंस। अब प्रॉफिट और लॉस को निकालने के 2-3 तरीके होते हैं, तो आज हम जो पहले हमें इसमें जो पढ़ना है वो यही पढ़ना है केवल, कुछ नहीं है इम्पोर्टेंट, ना पार्ट रिवेल्यूशन बनाने को पूछेगा, ना बैलेंस शीट बनाने को पूछेगा, ना कुछ बनाने को पूछेगा, बस सीधे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने को पूछेगा। पर अगर रिवेल्यूशन अकाउंट बनाने को बोलता है तो वो भी तुम निकाल दोगे। अब रिवेल्यूशन अकाउंट मेरे ख्याल से सब बच्चों को आता है, रिवेल्यूशन अकाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, रिवेल्यूएशन मतलब फॉर्मूला क्या है, मतलब स्टेटमेंट क्या है, पर्टिकुलर कैसे बनता है अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट यहाँ पे असेट घटते हैं लाइबिलिटी बढ़ती है, यहाँ पे लाइबिलिटी असेट बढ़ते हैं और लाइबिलिटी घटती है, और जो भी प्रॉफिट आता है यहाँ पे आता है वो किसमें बढ़ जाता है, ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स में, यहाँ पे जो भी लॉस आता है वो किसमें बढ़ जाता है, ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर में। रिकॉर्ड है मेरी क्लास, एक बार चेक करके बता दो। है भैया। अब ये चीज हमारी रिवेल्यूशन अकाउंट नॉर्मल था, अब जो मेन चालू होगा तो हमें पढ़ना है इसमें गुडविल और प्रॉफिट। अब तक मैंने एडमिशन में और रिटायरमेंट में क्या पढ़ा था, गुडविल वैल्यूड दे रखी थी ज्यादा, पर इसमें ना अब थोड़ा सा इसको चैप्टर को थोड़ा सा टफ बनाने के लिए इसमें गुडविल वैल्यूड दे नहीं रखी होती है, हमें कैलकुलेट करनी होती है, और कैसे कैलकुलेट करनी होती है, जैसे क्वेश्चन बोल दे, जैसे क्वेश्चन, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि ऐसे ही निकलेगी, इसका कैसा जैसा भी क्वेश्चन बोल देगा ऐसे करना पड़ेगा। जैसे कि अगर क्वेश्चन बोलता है कि गुडविल कैलकुलेट
ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 50 डिवाइडेड बाय 2। तो हमें क्या करना है, पहली ईयर का प्रॉफिट, दूसरी ईयर का प्रॉफिट, तीसरी ईयर का प्रॉफिट निकालना है। तो वो कैसे लिखोगे, जब इसका टोटल होगा तो क्या होगा, P प्लस पी टू प्लस पी थ्री डिवाइड बाय थ्री एवरेज, एवरेज निकालना है अभी हम एवरेज। अब जो भी, अब इसके बाद जो भी एवरेज प्रॉफिट आएगा, तो एवरेज प्रॉफिट को हमें क्या करना है, गुडविल निकालने के लिए गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय जो भी गुडविल निकल के आई वो गुडविल, कुछ भी हो सकता है, मल्टीप्लाई बाय टू भी हो सकता है, जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसा। हम इसके ऊपर ये नहीं बोल सकते भाई ऐसा ही होगा या ऐसा ही होगा, कैसे कुछ भी होगा। अब प्रॉफिट के दो तरीके होते हैं, पर वो पहले आज जो हम क्लास चालू करेंगे वो प्रॉफिट के ऊपर करेंगे, गुडविल को पढ़ेंगे, आज चैप्टर को खत्म करने की कोशिश करेंगे। दो दिन हम इसके क्वेश्चन करेंगे, दो दिन हम इसके क्वेश्चन करेंगे। तो लिखो पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट कैसे पता लगाते, दो जो पढ़ना पड़ जाता है, ऑन टाइम बेसिस और दूसरा सेल बेसिस, टाइम बेसिस और सेल बेसिस, टाइम बेसिस और सेल बेसिस। सबसे पहले टाइम बेसिस, अब इसको क्या हो गया बे, एक सेकंड रुकना, पहला है टाइम बेस, टाइम बेसिस, टाइम बेसिस के हिसाब से क्या निकाल, कैसे निकालते हैं वो लिखो, तो लिखो पी एंड एल सस्पेंस इज इक्वल टू प्रॉफिट कैलकुलेटेड इनटू ओ डेथ पार्टनर शेयर इनटू नंबर ऑफ मंथ अलाइव डिवाइडेड बाय 12 स्लैश नंबर ऑफ डेज अलाइव डिवाइडेड बाय 365। दोनों में से कुछ भी यूज होता है, अगर वो मंथ में देता है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, और अगर डेज में बोलता है तो ये वाला, ये मत बोल देना ये फॉर्मूला पूरा का पूरा ही है, या तो ये लगेगा नीला वाला या फिर येलो वाला। प्रॉफिट कैलकुलेटेड डिवाइडेड बाय इनटू डेथ पार्टनर शेयर इनटू नंबर ऑफ मंथ अलाइव, मैं ये थोड़ा ऊपर कर दूं, ठीक है? हाँ ठीक है। अगर स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही तो तुमने शायद स्क्रीन पर टच कर दिया, छोटा कर दो उसको, जूम इन जूम आउट करो अपने हाथ, करें एक ही साल तो होती, एक ही साल के अंदर तो मरेगा, 8 साल थोड़ी मरेगा वो, है ना, एक साल में कभी भी मर सकता है, 3 महीने में मर सकता है, 4 महीने में, अब बोलते हैं कि 180 दिन में मर सकता है या 300 दिन में मर सकता है।
पहले ईयर में एक पार्टनर मर गया तो फिर पार्टनरशिप खत्म हो गई। मुझे भी प्रॉब्लम होने लगी, मेरे को भी दर्द हो रहा है ना थोड़ा, उधर बैठ जाओ अगर थोड़ा सा। देयर इज नो नो डिस्क्रिमिनेशन, इट इज जस्ट अ प्रिकॉशन फॉर योर सेल्फ, नथिंग इज अबाउट लाइक हम किसी को वो कर दें। आज पता नहीं है भाई किसी को बोल रहा था, कल क्या हुआ है एक पेन में क्या कहते हैं कोरोना पेशेंट आया, उसके पास वो बस में क्या कहते हैं 20-25 जन है, और गवर्नमेंट को पता लगा, गवर्नमेंट ने उधर ही शमशान घाट में सबको भर दिया और सबका टेस्ट का मेरे सामने हो रहा था। चले लिख लिया बेटा, प्रॉफिट इसमें देखो ये डेथ पार्टनर शेयर तो क्वेश्चन में दे रखा है, नंबर ऑफ मंथ भी आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, प्रॉफिट कैलकुलेटेड कहां पे दे रखा होगा, तो प्रॉफिट कैलकुलेटेड इज टू बी कैलकुलेट एज पर द क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसे कैलकुलेट करेंगे। अब ये कैसे करेंगे, अब मैं आपको क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ तो आपको समझ जाएगा। लिख दे अंश क्वेश्चन किसने पूछा है, तुमने पूछा है अपने आप या फिर कहीं पे देखा तुमने? अंश क्लास में नहीं है वो, कब से वो हमेशा ऐसे ही करता है क्या? पता नहीं भैया, क्वेश्चन लिखो, ए बी सी आर द पार्टनर, 3:3:2 उनका शेयर था, बी डाइड ऑन 1 अगस्त 2020, ईयर एंड 31 मार्च 2021, द प्रॉफिट वॉज कैलकुलेटेड on the basis of 3-year average profit on the basis of रुक जाओ on the basis of आगे मत देखना on the basis of कहाँ भाई क्यों ये डेली करते हो या आज ही करा है? ईयर एंड 31 मार्च 2021 द प्रॉफिट वॉज टू बी वॉज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट
ऑफ लास्ट थ्री ईयर डिवाइडेड बाय थ्री. लास्ट थ्री ईयर प्रॉफिट फर्स्ट 10,000, सेकंड ईयर का 10,000 का सेकंड माइनस 5,000 यानी लॉस था. थर्ड फोर थाउजेंड. अब कोई निकाल सकता है क्या होगा प्रॉफिट कैलकुलेटर को माइनस का? तो देखो अभी तो मेरे को प्रॉफिट कैलकुलेट करना है. मैंने कहा ना प्रॉफिट कैलकुलेट का फॉर्मूला क्या है एज पर द क्वेश्चन. क्वेश्चन जैसे बोले आप वैसे करते जाओ कि भाई प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है. द प्रॉफिट वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ ट्वाइस टू करा इनटू एवरेज प्रॉफिट और जो भी आए उसका आंसर जो भी है उसको थ्री करा. ये हुआ. अब मुझे फॉर्मूला निकालना है कि भैया पहले एवरेज प्रॉफिट क्या होता है वो निकालना है. एवरेज प्रॉफिट क्या है सारे के सारे प्रॉफिट को जोड़ो, वन को जोड़ो, टू को जोड़ो, थ्री ईयर थर्ड ईयर को जोड़ो फिर डिवाइड बाय थ्री कर दो. तो पहले ईयर का प्रॉफिट कितना है 10,000, दूसरे ईयर का प्रॉफिट कितना है माइनस 5,000 क्योंकि लॉस है, तीसरे ईयर का प्रॉफिट कितना है 4,000 और एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए डिवाइडेड बाय थ्री करना होगा. तो ये कितना हो गया 9,000 डिवाइडेड बाय थ्री तो कितना हुआ 3,000. अभी रुक जा, अभी 3,000 रख दो यहाँ पे. तो 2 × 3,000 डिवाइडेड बाय 3 2,000. तो प्रॉफिट कैलकुलेट कितना हुआ? किस किस को नहीं आए समझ में चेक कर लो. हाँ नहीं अभी तो प्रॉफिट कैलकुलेट करना सिखाया मैंने और प्रॉफिट कैलकुलेट करना सिखाने के बाद हमें इस वाले फॉर्मूले में पुट कर देना. इस वाले फॉर्मूले अभी मैं बताऊंगा सब बताऊंगा. तो देखो तो दोबारा से बता रहा हूँ प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे किया है मैंने. जैसे कैसे बोलता गया वैसे वैसे मैं लिखता गया कि प्रॉफिट बोला ट्वाइस का मैंने टू से मल्टीप्लाई किया. एवरेज प्रॉफिट को और जो भी आंसर आया उसको डिवाइड बाय थ्री कर दो. तो डिवाइड बाय थ्री कर दिया. अब एवरेज प्रॉफिट का तो फॉर्मूला सबको पता है, सम ऑफ ऑल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रॉफिट. सम ऑफ ऑल प्रॉफिट कितने हैं 10,000 के, 5,000 के, 4,000 के डिवाइड बाय थ्री. आंसर कितना आया 2,000. अब 2,000 को मैंने किधर लेके चला गया ऊपर एपी पे. तो 2 × AP 6,000, 6,000 का डिवाइड बाय 3 से किया तो 2,000 आंसर आया. नहीं सॉरी हाँ सॉरी डबल वाल कर दिया. ये तो एवरेज प्रॉफिट 3,000 आया था. 3,000 मैंने वो गलती से नीचे बोल. सही है. अब P&L सस्पेंस निकालना है. तो P&L सस्पेंस का क्या है, प्रॉफिट कैलकुलेटेड इनटू शेयर इनटू अलाइव डिवाइडेड बाय 12 अगर मंथ में है. तो प्रॉफिट कैलकुलेटेड कितना है मेरा 2,000 का और जो मरा है पार्टनर उसका शेयर कितना है 3/8. ये मरा है सी मरा है 3/8 कितने महीने जिंदा रहा है. अप्रैल से लगा अगर मार्च में खत्म होती है तो अप्रैल में स्टार्ट होती होगी. तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त में तो पहली अगस्त को मर गया तो कितने महीने जिंदा रहा 4 महीने. तो 4 / 12 ये 1 time गया, ये 2 time गया, ये 1 time गया, ये 4 time गया, ये 1,000 time गया और ये 250. आंसर आ गया 250 P&L सस्पेंस. किसको समझ में आया? भैया इजी था ऐसे ही.
आज ठंड थी तुम्हें पता हाल की थी रात को हवा चल रही थी सुबह भी हवा चल रही भैया भैया इसमें ये कहाँ दे रखा है कि हमें मंथ वाला फॉर्मूला यूज करना है. उसमें लिखा हुआ है कि वो कुछ नहीं बोला गया था है तो मंथ का मानते हैं. अगर ऐसा दे दिया जाता कि तीन अगस्त 4 अगस्त 5 अगस्त तो फिर दिन का हिसाब लग रहा है. और अगर 1 अगस्त और 15 अगस्त और 30 अगस्त अगर एक डेट ऐसी हो 1, 15 और 30 तो इसमें मंथ का लगाएगा और डेट ऐसी 16, 17, 14 तो इसमें डेज लगाएगा. इसमें डेज और इसमें मंथ. समझ में आ गया? हाँ भैया. क्वेश्चन करें अब मंथ लगेगा इसमें 28 अगस्त. अगर लगता है कि अगर 1 अगस्त 15 अगस्त और 30 डेट अगर 1, 15 और 30 हो तो मंथ लगाओ. और अगर डेट ऐसी 28, 26 तो फिर डेज लग जाएगा. अब कैसे लगेगा वो भी बताऊंगा. प्रॉफिट टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ वो है कॉमा. दो हजार कर देना. अब इसके में क्या करना है मुझे बता सकते हो? प्रॉफिट टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ हाफ. पहले तो हाफ लिख दिया ऑफ हाफ द प्रॉफिट ऑफ एवरी ईयर. मतलब सारे प्रॉफिटों को हाफ कर दो. पहले 4,000 का हाफ कितना होगा 2,000. 3,000 का हाफ कितना होगा 1,500. 3,000 का हाफ कितना होगा 1,500. और 2,000 का हाफ कितना होगा 1,000. फिर उनका जो भी सम होगा उन सबको जोड़ दो. उसको मल्टीप्लाई कितने कर दो 3,000. हाँ सम. फिर उसको मल्टीप्लाई कर दो 18,000. जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे वैसे कैलकुलेट करना. डिवाइड क्यों होगा? सम थ्राइज है.
नहीं मुझे नहीं पता अब कैसे होगा, चेक कर लो जल्दी से, करो एक बार। अरे चेक करो, 4000 का हाफ 2000, 3000 का हाफ 1500, हाँ वो भी कर सकते हैं, पर मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जहाँ पे वैल्यूज ना कभी कभार चेंजेस हो जाएंगे, क्वेश्चन कुछ इसी तरीके से होगा, मुझे ध्यान नहीं आ रहा हूँ एक वर्ड था, तो इसीलिए अलग अलग करो तो ज्यादा बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन सबको कर दो, 2000, 5000, 6000, और 6000 सम निकालने का मल्टीप्लाई कर दो थ्राइस से, तो 18000, 18000 हो गया पी एंड एल, सॉरी प्रॉफिट कैलकुलेटेड, प्रॉफिट कैलकुलेटेड किस किसका आ रहा था ये भाई 18000, ये बता दो पहले। मैंने कहा भैया मेरा आ रहा था, मेरा आप कर दो भाई। हाँ बोल बोलो, अरे बोल दिव्यांश मत बोल भैया, मैं कुछ नहीं कह रहा था भैया, मैं कुछ कह नहीं रहा था। अब पी एंडल सस्पेंस क्या बोलता है, पी एंडल सस्पेंस इज इक्वल टू प्रॉफिट कैलकुलेटेड शेयर, मैं पूरा फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, पूरा फॉर्मूला मैंने ऊपर लिख दिया है, अब तुम लोग उत्तर से देख लेना, बस शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, इनटू डेज अलाइव, अब मंथ अलाइव नहीं है, डेज अलाइव आएगा, क्यों, क्योंकि 28 शब्द दे रहा है, डिवाइडेड बाय 365। अब चेक करो, 365 भी ले सकते हो और इन किसी केसेस में 360 भी ले सकते हो, तुम्हारी इच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 18000 का तो ये आया, शेयर कितना है उसका 1/4, और डेज अलाइव कितना रहा, देखो अप्रैल मई जून जुलाई और 28 दिन अगस्त के, अप्रैल में कितने दिन होते हैं 30 दिन, मई में कितने दिन होते हैं 31, 30, 31 और इसमें जोड़ दो 28, ये आता है ना तुम लोगों को ये निकालना कि कितने महीने होते हैं, आपकी उंगली, आपकी उंगलियों को जो फिस्ट बनाते थे उसमें जो ऊपर जो गट्टा निकला हुआ होता है वो 31 का होता है, जो गैप होता है वो 30 का होता है। नहीं आता, नहीं आता तो चेक करो, ये देख रहे हो, नहीं जानते भाई, तू ही तो जानता। हाँ ये देखो, ये वाली चीज तो होती है आपकी 31 की, और जो गैप होता है ये होता है 30 का, ये होता है 30 का, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, फिर पीछे से चालू होगा अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो ये वाली जो भी होती हैं ये होती हैं आपकी 31 की। तो देखो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल गड्ढे में है तो 30 हो गई, मई आपकी उसमें है ऊपर है तो 31, जून आपकी गड्ढे में है तो 30, और जुलाई आपकी ऊपर है तो 31, और अगस्त में तो 31 होता है, पर आपको अगस्त में 31 नहीं लेना, केवल 28 लेना है। कितना लेना है 28, क्यों, क्योंकि 28वें दिन में वो मर गया है, साक्षी लेफ्ट, सही है, ऐसी लेफ्ट रह जाएगी, पड़ेगी तो तीस 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 120 और 8, 122 और 8, 130, 150 दिन, और 365 लगा दो। अब सॉल्व कर लो, जिसका आंसर जिसको आ जाए वो सही है, पी एंड एल सस्पेंस 1849, ये इसको क्या बोलते हैं, पी एंड एल सस्पेंस, पी एंड एल सस्पेंस जो होता है वो बाई साइड में जाता अगर प्रॉफिट होता है बाय पी एंड एल सस्पेंस, और अगर लॉस में आ जाए तो टू साइड जाएगा, टू पी एंड एल सस्पेंस, किसके अकाउंट में, डेथ पार्टनर के अकाउंट में, किसके अकाउंट में, डेथ पार्टनर के अकाउंट, समझ में आ गया, इजी था, शुड बी मूव फॉर द,
क्या पढ़ाया जाए वो ये वाला दोबारा बता देना प्रॉफिट और लॉस कहाँ आता है प्रॉफिट कहाँ आता है प्रॉफिट तो बेटा बाई साइड आता है ठीक है ये कहाँ गए बे ये प्रॉफिट तो बाई साइड आता है और टू साइड आपका लॉस आता है ये लॉस वाला है और ये प्रॉफिट वाला कैसे तुम बनाने को तो सब बोलेगा पूरे क्वेश्चनों में पर पेपरों में केवल ज्यादातर केवल पढ़ने से बढ़ने बहुत छोटा सा है बहुत जल्दी खत्म होगा क्वेश्चन अभी दिखाऊंगा कैसे आएगा क्वेश्चन अभी क्वेश्चन नहीं हुआ पूरा एक ही पार्ट अरे तो क्वेश्चन ही कर रहे हो ना तुम एक पार्ट कर रहे हो क्वेश्चन क्वेश्चन एक पार्ट क्या क्वेश्चन अभी तो ये क्या अब आएगा सेल बेसिस ये मजेदार है तो इसका फॉर्मूला है चौहान इसका फॉर्मूला क्या है क्या इसका फॉर्मूला हाँ कुछ चेक कर रही है देखो है नहीं चेक कर रही है वो पढ़ाई मतलब मिल्क पेंट को हिंदी में क्या बोलते हो नाखूनी पनीर कटर को नील को क्या बोलते हैं नाखून नाखून दवाई यंत्र नहीं नहीं कुछ बोलते हैं मेरी लेवर बोल रही थी कुछ अपनी पढ़ाई अनंत मड़ी हो रही है इन्फिनिटी स्टोन अनंत मड़ी चलो सेल बेसिस का फॉर्मूला होता है परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू लास्ट ईयर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर सेल इनटू 100 पीएनएल सस्पेंस अकाउंट suspense is equal to percentage profit into current year profit into death partner share कभी कभार क्वेश्चन में आपको ये निकला हुआ दे देगा तो डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है और अगर ये ना दिया हो तो ये वाला फॉर्मूला पहले वो फिर दूसरा और इसमें डेज और मंथ का कोई भी झंझट नहीं है सेल वाले केस में डेज एंड मंथ विल नॉट बी देयर हाँ सेल शब्द जैसे लिख जाए तो आगमन करके सेल बेसिस वरना टाइम फॉर्मूला लिख लो ठीक है ये लिख दे नीचे वाला भैया हाँ तो एक बात पूछनी है पूछ पूछ ऊपर वाले क्वेश्चन में 28 अगस्त को डेथ हुई थी पार्ट उसकी तो 28 अगस्त को काउंट करेंगे नहीं तो पूरा मंथ काउंट करेंगे या 28 डेज काउंट करेंगे 28 डे काउंट करेंगे बेटा मैंने देख हाँ 150 तो लिखा है अरे तो पूरा करने का टोटल करेगा तो 150 आएगा बेटा कौन सी बैंक चढ़ा गया अभी नेक्स्ट का क्वेश्चन
हाँ तू पूरी वो दे, बायोडेटा दे दे पहले तू। ये फॉर्मूला चेंज करो, ऊपर करंट ईयर सेल है, ये करंट ईयर सेल है। कर देगा हाँ, प्रॉफिट इश्क मिटा ओहो घर पे ही बनाया तो बर्थडे कहीं गए थे तुम दोस्तों दोस्तों के साथ गए थे ऐसा लगता कथा बता होती होगी यार कथा होती है खाना वाला तेरे बर्थडे पर खाना वाला किसकी यार एक किसकी घर पे दावत हुई थी मैंने वो मिस कर दी बता रहे थे तुम बहुत नॉन वेज करेंगे करके देखो तूने 3375 आ रहा है आंसर बेटा पता नहीं चेक करूंगा हां भैया ठीक है ठीक है देख कैपिट पर फोटो निकाल चल तू दुकान मेरे का मेरा था हम दिनी कार्ड में बहुत पावर है इंटरनेशनल विड्रॉल पावर सही बोल रहा अगर तुम्हारे पास कोई बहुत महंगी कार्ड का एक्सेस हो ना तो उन कार्ड के लाउंज अब तुम उस लाउंज के अंदर जाते तो खाना पीना मतलब चले पढ़ते हैं करते हैं देखते हैं क्या होता है भाई ये था फॉर्मूला ये थे ये भाई साहब स्वर्गवासी हो गए 2:1 बचा वो सॉरी बचा बचा कुछ नहीं
ए का डेथ हुआ 15 अगस्त को, दिन याद करने की जरूरत नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस किसके बेसिस पे निकालना है? सेल बेसिस पे। सेल बेसिस का पहला फॉर्मूला है कि भैया परसेंटेज प्रॉफिट, परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू लास्ट ईयर प्रॉफिट अपॉन लास्ट ईयर सेल, लास्ट ईयर सेल इन 200। 20% आ रही होगी, 30%, 30,000 डिवाइडेड बाय 1,00,000 इंटू 100, 30%। प्रॉफिट कैलकुलेटेड, प्रॉफिट कैलकुलेटेड इज इक्वल टू, सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंटेज इनटू करंट ईयर सेल। लिख दो यार ढंग से, इतनी आलस ना बनाओ। करंट ईयर सेल इनटू, और कुछ नहीं है ना, डेथ पार्टनर शेयर। हाँ, डेथ पार्टनर शेयर, डेथ के पार्टनर का शेयर। प्रॉफिट 30%, करंट ईयर सेल 45,000, 1/4। परसेंटेज का साइन हटा दिया तो 100 लगता। अच्छा, वो छठी क्लास वाले भी लोगों को, अरे वो मुझे पता है तू क्या बोल गया। जीरो से जीरो कट गए, ये 7.5 टाइम्स कट गया, 7.5 टाइम्स इनटू 450। किसने आंसर निकाला है? 3,375,000 जीरो जीरो हट जाएगा। उतार लो, कर लो, समझ लो तब, ठीक है ना। इसके बाद 10 मिनट बाद कनेक्ट हो जाना इकोनॉमिक्स क्लास के लिए। कल गुडविल सिखा देंगे, बहुत टफ टफ क्वेश्चन दे दूंगा, वो कर लेना। जो बेस्ट टफ होंगे ना क्वेश्चन, नॉर्मल। उतार लिया सब बच्चों ने? हाँ भैया। हाँ भैया, हटा दूँ?